हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफए एकेडमी। मैं ईवी संजू, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें दिया और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से रिलेटेड अपनी दिक्कतों एवं ज़रूरतों को हमसे साझा किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस एवं स्टूडेंट्स की ज़रूरतों पर गहराई से मंथन करने के बाद हमने यह विचार किया कि क्यों नहीं एक खूबसूरत सीरीज आरंभ की जाए जिसके माध्यम से इस सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि एवं पकड़ को बढ़ाई जा सके। और इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने जिस टूल का यूज़ किया है वो है एक किताब जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बाय एंड्रयू पाइटल एंड फर्डिनेंड एल सिंगर। अपने इस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में हम इस बुक के उन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिस पर बेस्ड आपके गेट या ईएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से हम आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ को ठीक ढंग से कर लिया तो विश्वास मानिए इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ काफ़ी गहरी बनती चली जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए किसी भी लेवल्स के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चीज़ों को खूबसूरती से सीखते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हम लोग को ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग को जान लेना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज़ और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज तक प्रीवियस सेमेस्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो आपको जानना यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कौन कौन से फंडामेंटल एरियाज होते हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके थ्री फंडामेंटल एरियाज होते हैं, उसी में से एक होता है आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जिसको कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। तो और अब तक आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर्स में जो पढ़ा है वो है इसी का फर्स्ट एरिया जिसको कि आप स्टैटिक के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग डिटेल में आते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या डिफरेंस है इसमें स्टैटिक। दूसरा होता है डायनामिक और थर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था और हम लोग बात करने वाले हैं वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जिसको शॉर्ट में लोग मॉम भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसको आप सॉम बोलते हैं, इसी को कुछ लोग मॉस बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है ना, या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, ये सारे इसी के नाम हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही। तो हम लोग को ये समझना है कि स्टैटिक, डायनामिक और जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी हम ले लें और इस बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप देखेंगे इस बॉडी पे दो तरह का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, एक होता है एक्सटर्नल इफेक्ट और दूसरा इंटरनल इफेक्ट।
एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है, जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके मोशन में जो चेंजेस आएंगी, जैसे और आप बात करेंगे वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, तो ये हुआ आपका एक्सटर्नल इफेक्ट। मतलब मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ये बॉडी ड्रॉ कर दूं और इस बॉडी पे अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स में जैसे इस बॉडी पे फोर्स लगेगा, इस बॉडी में मोशन आ जाएगा और आप उसका वेलोसिटी एनालिसिस करोगे, एक्सेलरेशन एनालिसिस करोगे, जैसे कि जैसे थ्योरी ऑफ मशीन में। तो ये हुआ कॉज, इस बॉडी पे जो कॉज लग रहा है, और उसका इफेक्ट जो आ रहा है वो हुआ एक्सटर्नल इफेक्ट, जब आप इसका मोशन की बात कर रहे हो, एक्सटर्नल इफेक्ट। एक दूसरा तरह का भी इफेक्ट हो सकता है, जैसे ही इस बॉडी पे आप किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इस बॉडी पे मॉलिकुलर डिफॉर्मेशन या डिसलोकेशन हो सकता है, तो ये हुआ इसका इंटरनल इफेक्ट। तो सेकेंड टाइप का इफेक्ट हुआ वो हुआ आपका इंटरनल इफेक्ट। तो आपको समझना यही है कि अब तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहले प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा है स्टैटिक एंड डायनेमिक, और स्टैटिक और डायनेमिक एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड एंड इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब ये, तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है स्टैटिक एंड डायनेमिक, और उसमें आपने क्या किया, जो लोड बॉडी पर लग रहा है उस लोड की वजह से इस बॉडी पे जो एक्सटर्नल इफेक्ट आ रहा है, इसके बीच में जो भी आपने रिलेशन को एस्टैब्लिश किया वो कैसे, वो भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन और एक चीज, अभी तक आप लोगों ने जो स्टैटिक और डायनेमिक केस में आप लोगों ने देखा कि जो बॉडी was assumed to be a rigid body का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिफॉर्मेशन को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो स्टैटिक और डायनेमिक में आपका बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी हम लोग अज्यूम करते चलते हैं, जिसमें कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बात करते हो, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल establishes relationship बिटवीन फोर्स एंड इट्स इंटरनल इफेक्ट ऑन द बॉडी। क्लियर है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से बॉडी पे जो इंटरनल इफेक्ट आ रहा है, इसके बीच के में जो रिलेशन है वो हम लोग को स्टडी करना है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। दूसरी बात, यहाँ पर जैसा आपने देखा अभी तक जो आप अज्यूम करते आ रहे थे कि बॉडी आपका क्या था, रिजिड बॉडी था, और जैसे ही आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब आओगे तो ये बॉडी अब रिजिड बॉडी नहीं रहेगा, अब ये आपका डिफॉर्मेबल बॉडीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप डिफॉर्मेशन को आप कंसिडर करोगे, यहाँ डिफॉर्मेशन आप नेग्लिजिबली स्मॉल लेके चलते हो। ठीक है, और कुछ कुछ डिफरेंसेस जो अभी तक आपने पढ़ा है स्टैटिक और डायनेमिक में वो मैं दिखाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे क्लियर हो गया। तो जैसे अगर मैं कोई बॉडी ले लूँ, कोई भी आर्बिट्री बॉडी लाइक ये, और इस बॉडी पे अगर हम लोडिंग अप्लाई कर दें, मान लो F1 है, F2 है, F3 है, और मान लो ये F4 है, ये मान लो कोई भी बॉडी है, और इस बॉडी पे एक्सटर्नली इस तरह का लोड अप्लाई किया गया है F1, F2, F3, F4। तो आप लोग क्या करते थे, इस बॉडी पे सबसे पहले आप फंडामेंटल लॉज ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई करते थे। वो क्या होता था, तीन इक्वेशन आपने यूज किया था, तीन इक्वेशन।
समेशन ऑफ मतलब रिजल्टेंट आप निकालते थे, जो भी फोर्स यहाँ लग रहा है तो उस फोर्स का रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करते थे। जैसे कैसे आप जनरली जो फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तीन इक्वेशन लिखते हैं, नंबर वन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सिमिलरली मूवमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस शुड इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन आपने अप्लाई किया समेशन ऑफ एफ वाई मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सिमिलरली समेशन ऑफ मोमेंट ऑल मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। और एक इक्वेशन होता है जेड डायरेक्शन के लिए समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सिमिलरली समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन होता है जिसको आप बोलते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर आपका जो बॉडी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप बोलते हो कि बॉडी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और अगर मान लो इस बॉडी में कुछ मोशन रिमेनिंग रह जाता है, मतलब ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तब फिर आप क्या करते थे उसमें आप लॉ ऑफ इनर्शिया यूज करते थे और बॉडी को के लिए आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन आप लिखते थे। तो ये तो बात हुई कि आप जो मैकेनिक्स में आप अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा स्टैटिक और डायनेमिक में। अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हमको क्या करना है। तो ये तो बात हम लोगों ने कर लिया जो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक जो स्टैटिक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके आपने देखा कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये आप लोगों ने देख लिया। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हम लोग फर्दर जब आप लोगों ने देख लिया कि बॉडी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके आगे उसके बियॉन्ड हम लोग को कुछ चीजें और इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड एंड इट्स इंटरनल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? उसी इंटरनल मतलब जो आप ये लोडिंग सिचुएशन ये एक्सटर्नली अप्लाइड लोड जो बॉडी पर लग रहा है, ठीक है, तो इस बॉडी की वजह से बॉडी पे जो रिएक्टिव फोर्सेस जो डेवलप होंगी जिसको कि हम लोग इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं, इस बॉडी पे डेवलप होगा, उस इंटरनल फोर्स का इन्वेस्टिगेशन हम लोग को करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे? तो ठीक है, हम लोग बॉडी समझ लिए कि ये मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग को समझना है कि उसमें जो इंटरनल फोर्सेज जो डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल लोडिंग, वो इंटरनल फोर्सेस को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेंगे जिसको कि हम लोग एक्सप्लोरेटरी सेक्शन बोलते हैं, लेकिन ठीक है कोई मान लो ए सेक्शन हम लोग ले लिए ए सेक्शन। अब देखेंगे कि जो ए सेक्शन आपने ले लिया और इस बॉडी पे जो इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप हुए वो इंटरनल फोर्सेस क्या होगा, रिएक्टिव फोर्सेस है। वो क्यों आया? बिकॉज इस पे इस तरह का लोडिंग सिचुएशन है, इसके वजह से इस बॉडी पे इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए। अब क्या हम देखना चाह रहे हैं कि वो फोर्स जो इंटरनल फोर्स जो बॉडी पे डेवलप हो रहा है उसके बारे में हम लोग एक एक चीज देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो फोर्स जो इंटरनल फोर्स क्या जो इंटरनल फोर्स जो बॉडी पे डेवलप हो रहा है वो फोर्स एक्ट करेगा इस सेक्शन पे, क्यों? क्योंकि हम मतलब इस तरीके से मान लो हम एक सेक्शन ले लिए, इसको हटा दिए, ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम जो आप ड्रॉ करते हो उसी तरीके से। तो ये मैं जो ए सेक्शन था आपका यही था, ये रहा ए सेक्शन। अब वो इंटरनल जो फोर्सेस जो बॉडी पे डेवलप हो रहे हैं वो इस सेक्शन पे एक्ट करेगा टू बैलेंस टू मेक बैलेंस विथ अदर सेक्शन, है ना। इस यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस एक्ट करेंगे, अब वो इंटरनल फोर्सेस जो एक्ट करेंगे उनको आप रिड्यूस कर सकते हो, और जो इंटरनल फोर्सेस जो एक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड कपल, ठीक है। जो रिएक्शन जो बॉडी पे डेवलप होगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड कपल, और अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस जो फोर्स और कपल जो बॉडी पे रिएक्टिव फोर्स या रिएक्टिव कपल जो बॉडी पे डेवलप हो रहा है उस फोर्स को आप आइदर
प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो या अलोंग द प्लेन. आप ये सरफेस हुआ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स और कपल को रिजॉल्व करो या अलोंग द सरफेस ऑफ फोर्स और कपल को रिजॉल्व करो. ठीक है, तो ठीक है भाई, एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेता हूँ. मान लो ये ऊपर का डायरेक्शन को हम मान ले वाई, इस डायरेक्शन को मान ले एक्स, और एक डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ जेड. ठीक है, तो जो ए ए सेक्शन का जो हम बात कर रहे थे, तो ये डायरेक्शन है आपका एक्स डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो फेस मिलेगा, ये फेस कौन सा होगा, एक्स फेस. इसी तरीके का हम लोग आगे हम लोग जब मोर सर्किल वगैरह जब पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल वे में इस पर आएंगे. लेकिन फिलहाल आप देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इसमें आपको सीखने को मिलेगा. तो मान लो कि ये फेस हुआ एक्स फेस. तो एक्स फेस पे जैसा कि मैंने बोला कि जो रिएक्टिव फोर्स जो लगेगा, मान लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये रहा, और इस पे जो फोर्स लग रहा है पी ऑन द एक्स फेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली ये तो हुआ परपेंडिकुलर टू द फेस. सिमिलरली एक आ सकता है इसके अलोंग द सरफेस वाई डायरेक्शन में, और इसको आप मान लो पी ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन. ठीक है, सिमिलरली जो जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में भी लगेगा पी ऑन द एक्स फेस अलोंग द जेड डायरेक्शन. तो इस तरीके से बॉडी में जो ड्यू टू द लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग, बॉडी में जो रिएक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, वो जो रिएक्शन बॉडी जो प्रोड्यूस करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड कपल. फोर्स को आपने रिजॉल्व कर लिया परपेंडिकुलर टू द फेस एंड अलोंग द फेस. ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो कपल होगा, कपल को भी आप रिजॉल्व कर सकते हो. अलोंग मतलब ये एक्सियल डायरेक्शन होगा, मान लो ये रहा, मान लो इसको आप मान लो एम ऑन द एक्स फेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन. उसी प्रकार मान लो ये लग रहा है एम ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन, और मान लो ये रहा एम ऑन द एक्स फेस अलोंग द जेड डायरेक्शन. ठीक है, अब ये है क्या चीज, देखो जब आप बात करते हो पी एक्स एक्स, पी एक्स एक्स ये लग रहा है आपका, ये रहा एक्स फेस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिला उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स फेस. तो एक्स फेस पे जो जो मतलब फेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम बोल रहे हैं एक्सियल फोर्स. ठीक है जी, और एक तरीके का हुआ फोर्स, दो फोर्स बच रहा है मेरे पास, पी एक्स वाई और पी एक्स जेड. मतलब ये रहा पी एक्स वाई अलोंग द सरफेस और पी एक्स जेड ये, मतलब ये हुआ आपका पी एक्स वाई और पी एक्स जेड. तो इस तरह का जो फोर्स होगा इसको आप क्या बोलोगे, शियर फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द सरफेस. शियर फोर्स बोल लो या टेंजेंशियल फोर्स बोल लो. ठीक है, अब यहीं से जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बढ़ेंगे तो यही सब चीजें आएंगी. जैसे जो एक्सियल फोर्स, इसी को जैसे नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, ये नेचर ऑफ द फोर्स कि वो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, वो उस पर हम लोग बाद में आएंगे. लेकिन अभी तो हमको आपको समझ में आ रहा है कि एक्सियल फोर्स क्या है, वो जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है. शियर फोर्स क्या है, उस सरफेस के पैरेलली लग रहा है, अलोंग द सरफेस लग रहा है. अब रहा बात मेरा ये क्या है, एम एक्स एक्स, एक तो ये हुआ, और दूसरा जो जो कपल लग रहा है ये हुआ आपका रिएक्टिव कपल जो अलोंग द एक्सिस लग रहा है. देख रहे हो एम एक्स एक्स जो एक्स डायरेक्शन पे, एक्स फेस पे, एक्स फेस पे, एक्स डायरेक्शन पे लग रहा है. ठीक है, अच्छा जो भी आप इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, ऐसे ऐसे ये. तो ये रहा रिएक्टिव कपल जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल. ट्विस्टिंग कपल
या इसी को आप बोल सकते हो टॉर्क। अभी इस पर देखिए बहुत खूबसूरत चीज आएंगी जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये आपको फर्स्ट क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। इसको तो मैं बोल रहा हूँ ट्विस्टिंग कपल। अच्छा, ये रिएक्टिव कपल जो अलोंग द सरफेस लग रहा है, जो आपका एम एक्स वाई बोल लो या एम एक्स जेड बोल लो, एम एक्स जेड ये भी ट्विस्टिंग कपल है। जिस तरीके का ये ट्विस्टिंग कपल है उसी तरीके का ये भी ट्विस्टिंग कपल है, बट ये ट्विस्टिंग कपल लग रहा है अलोंग द सरफेस, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है जी, मतलब ट्विस्टिंग कपल या ट्विस्टिंग कपल बोल लो और बेंडिंग मोमेंट, दोनों तो आपका कपल ही है। बस डिफरेंस ये है कि ट्विस्टिंग कपल जो लग रहा है अलोंग द एक्सिस लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट लग रहा है अलोंग द सरफेस लग रहा है, ठीक है। सरफेस के पैरेलली जो कपल एक्ट कर रहा होता है उसको हम बेंडिंग मोमेंट बोल रहे हैं, और जो कपल आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं ट्विस्टिंग कपल। अब ये है क्या ट्विस्टिंग कपल, जिसको कि आप टॉर्क बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के ट्विस्टिंग को जो रेजिस्ट करता है वो कपल होता है ट्विस्टिंग कपल। जैसे हुआ ये हुआ ना आपका, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये लग रहा है ऐसे, मान लो ऐसे ऐसे या ऐसे, मतलब जो ट्विस्टिंग बॉडी पे हो रहा है इस ट्विस्टिंग को रेजिस्ट कर रहा है वो ट्विस्टिंग कपल। बट आप जरा देखो ये यहाँ पे अलोंग द सरफेस जो कपल जनरेट हो रहा है बॉडी पे, ये चाहे ये, तो ये क्या करेगा बॉडी को, ये इस तरीके से, मतलब बॉडी को ऐसे बेंड करेगा ऐसे, है ना, मतलब जैसे ये वाला ये डायरेक्शन जो मैंने दे रखा है ऐसे लग रहा है, मतलब इस बॉडी को इस तरीके से वो बेंड करेगा, इसको ऐसे बेंड करेगा, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट। मतलब बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बेंडिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, आप देखो बिल्कुल बेसिक सा चीज आज आपने देखा कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल होता क्या है। आपने ये समझा कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही पार्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को तीन भागों में आपने क्लासिफाई किया था, स्टैटिक डायनेमिक एंड मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल, ठीक है। फिर आपने देखा कि अब तक जो मैकेनिक्स में जो आप पढ़ते थे, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसे आप प्रूफ करने के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करते थे, लेकिन जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में आपने फर्दर जो इंटरनल फोर्सेस, जो बॉडी पे रिएक्टिव फोर्सेस जो जनरेट हो रहे थे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सेक्शन लिया। उस सेक्शन पे आपने देखा कि जो इंटरनल फोर्सेस उस सेक्शन पे कैसे कैसे फोर्स लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस देम, मतलब जो अपोजिट साइड में जो सेक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए उस सेक्शन पर उसको उतना फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा। वो जो फोर्स जो एग्जर्ट करेगा या रिएक्टिव रिएक्शन जो बॉडी डेवलप करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड कपल, ठीक है। अब वो फोर्स और कपल को आपने देखा कि अपने कन्वीनियंस के आधार पे आपने परपेंडिकुलर टू द फेस या पैरेलल टू द फेस आपने उसको रिजॉल्व किया। तो आपने देखा कि जो फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द फेस निकला उसको आपने बोला एक्सियल फोर्स, और जो पैरेलल टू द फेस जो फोर्स को आपने रिजॉल्व किया उसको आपने बोला शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। सिमिलरली जो कपल, जो रिएक्टिव कपल जो परपेंडिकुलर टू द फेस या अलोंग द एक्सिस जो लग रहा है, जिसको मैंने बोला कि वो बता रहा है बॉडी का रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी, वेयर एज द बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बेंडिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस तरीके से आज हमारा बिल्कुल फंडामेंटल लेक्चर था।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब इसी से हमारा आगे का लेक्चर निकलेगा, जिसमें आप जो नॉर्मल स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस की बातें करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक है ये सब चीज़। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लर्निंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।